परिवारवादी आय की बात करते हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या वो चक्की पीसिंग वाले परिवारवादी नहीं थे? 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाए आप, आज तक आप अभी भी कहते हैं कि आप मजबूर सरकार चला रहे हैं। 700 किसान शहीद हो जाते हैं, आपसे ज्यादा कमजोर और कम एंड जिस तरह की सरकार मजबूर सरकार आप चला रहे हैं, क्या आपको पता था कि पीएम आवास में आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ घर दिए और आपके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 75.51 लाख मकान बने? हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी, 2014 जब आप आए थे तो 10 लाख इंजीनियर नासा में बैठे हुए, हम तो केवल ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपके आने से पहले हो गए थे, 2014 में 3 साल के खाद्यान्न भंडार आपको भर के दिए, 16 लाख की आर्मी आपको दी, इस देश के मजदूर से लेकर हर सरकार ने बहुत काम किया। ये बार बार कहते हैं 700 किसानों की मृत्यु हुई, दिखाइए ना 700 डेथ सर्टिफिकेट। मैं सुधांशु भाई को चैलेंज करता हूं, मुझे अभी कोई भी वेबसाइट बता दे जिस पर ये लिखा हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान दिए गए, मुझे कहीं पर भी दिखा दे वो 4 करोड़ का आंकड़ा। नोटिस दिया आज, मुझे केवल बता दीजिए 4 करोड़ मकान बने उसकी लिस्ट कहां पर अवेलेबल है? पार्टी में तो सब बंदर है, गोली मार रहा है। पीएम कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पर एक तरह से हमला है, वो कह रहे हैं मिलीजुली सरकार अब जनता को नहीं चाहिए, लेकिन जब इनकम्बेंट के खिलाफ लोगों का गुस्सा होता है तब फिर तो वो देखते नहीं कि सामने कौन है, वो वोट करने उधर भी जा सकते हैं, तो फिर मिलीजुली है या अलग अलग है ये सब कोई नहीं देखता। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकम्बेंट के खिलाफ गुस्सा होता है, जब मोदी जी ने प्रशासनिक राजनीति में पदार्पण किया था यानी 2001 में, तब यही एक एस्टैब्लिश फैक्टर था भारत की राजनीति में, एंटी इनकम्बेंसी, यानी जो सत्ता में है उसके विरुद्ध नाराजगी होगी और अगली बार वो चुनाव हार जाएगा। पर मोदी जी ने अपनी क्षमता और गुड गवर्नेंस के द्वारा और ईमानदारी निष्ठा से जो काम किया लगातार 3 बार गुजरात में, और उस एंटी इनकम्बेंसी के कॉन्सेप्ट को प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया और 2 बार केंद्र में, अर्थात अब जनता में भी एक बदलाव आ रहा है। देखिए मैं आपको एक बात कहूं थोड़ा विश्लेषण वाली दृष्टि से, 1990 के दशक में आजादी मिले 40-42 साल हो गए थे, तब तक लोगों के मन में भावना आई थी कि मेरा स्थान क्या, तो बहुत सारे लोगों ने उसका लाभ उठाकर इसने उसको स्थान नहीं दिया उसको स्थान नहीं दिया और वो सारी बातें करके कहा तो सामाजिक न्याय और बढ़ाई अपने परिवार की आय। अब एक पीढ़ी और गुजरी, 2010 का दशक आया, अब सबको समझ में आ गया, पढ़ाई लिखाई का प्रतिशत बढ़ गया, साक्षरता बढ़ गई, सबको समझ में आ गया कि कौन हमें चूरन दे रहा है और कौन वास्तविकता में कार्य कर रहा है। इसलिए आप देखिए कि अब अस्थिर सरकारों का दौर समाप्त, उसका एक और कारण भी समझिए, 1989 से 2014 25 साल भारत में गठबंधन सरकारें रही, एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो गठबंधन सरकारें से भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी। इसलिए अब देश की युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध वर्ग सब यह समझने लगा है कि देश को सही दिशा में ले जाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं जहां सरकार की मजबूरी का लाभ उठाकर और न्याय की बात करके अपने अपने परिवारों की आय बढ़ाई। बेटा लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। आलोक शर्मा जी, प्रधानमंत्री के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पर आपका रिएक्शन और मिलीजुली सरकार, मजबूर सरकार, ये परेशानी पीएम दिखा रहे हैं जब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे, तो क्योंकि ये पहले भी इनका प्लान रहा है भ्रष्टाचार परिवारवाद के मुद्दे पर आपको घेरते हुए, क्या है आपका जवाब? देखिए मुझे लगता है कि जो स्वयं एनडीए की सरकार चला रहे हो, मिलीजुली सरकार चला रहे हो, 2014 में भी मिलीजुली सरकार बनाई हो और आज भी 38 दलों के साथ मिलकर कहते हो कि हम एनडीए हैं और वो कहते हैं कि साहब मिलीजुली सरकार नहीं होनी चाहिए, तो कहिए ना हम अकेले लड़ेंगे। मोदी साहब आप किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, आप तो स्वयं मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, क्या आप नहीं चला रहे हैं? क्या आपके तमाम जो मिलीजुली सरकार के साथी थे अकाली दल से शिवसेना से तमाम लोग आपको धता देकर आपको बुरा बोल करके आपने हमारा साथ नहीं दिया, आपको छोड़कर नहीं चले गए? अब बात आती है एंटी इनकम्बेंसी की, क्या कर्नाटक में हिमाचल में अभी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? क्या तमाम राज्यों में जहां पर आपकी सरकार नहीं आई वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? आपने 2019 में जरूर चुनाव रिपीट की सरकार, 2014 से लेकर, क्योंकि आपने इतिहास की बात की, 2014 से लेकर 2019 तक केवल एक गुजरात की सरकार रिपीट हुई थी, उसके अलावा कोई सरकार आपकी रिपीट हुई है तो मुझे बता दीजिए, केवल गुजरात में वो भी बॉर्डर पर रिपीट होने की बात कर रहा हूं, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी? एंटी इनकम्बेंसी आज भी है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब सरकार झूठ बोलने लगे, सरकार झूठे आंकड़े देने लगे, सरकार जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे, तो स्वाभाविक है कि मुद्दों से भटकाया जाता है। परिवारवादी आय की बात करते हैं आप, हम तो पूछ रहे हैं कि क्या वो चक्की पीसिंग वाले परिवारवादी नहीं थे? क्या वो करप्ट नहीं थे? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? क्या उनको आपने पार्टी में शामिल करके, अपनी सरकार में शामिल करके क्या महाराष्ट्र की कुंजी नहीं दी आपने? आप किस मुंह से कहते हैं मोदी साहब कि आप मजबूत हैं? मणिपुर के बाद भी आप कहते हैं कि आप ये मजबूत सरकार चला रहे हैं, 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाए आप, आज तक आप अभी भी कहते हैं कि आप मजबूत सरकार चला रहे हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए आज, इंडिया टुडे को आपने इंटरव्यू दिया, किसने लिया, क्या सवाल थे हमें नहीं मालूम है, देश को नहीं मालूम है, जरूर आपके सामने आ रहे हैं लेकिन क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं आप? मैं कल ही उसमें सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था किस प्रधानमंत्री ने कितने कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। आप सबसे ज्यादा मजबूर सरकार चला रहे हैं मोदी साहब, पूर्ण बहुमत होने के बाद भी आप 150-150 सांसदों को संसद से बाहर कर देते हैं, संसद में चर्चा नहीं करने देते हैं, अडानी और अंबानी को आप मदद पहुंचाते हैं, 25-25 लाख करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ हो जाता है,
और देश के ऊपर 5 गुना कर्जा आप बढ़वा देते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं, आपसे ज्यादा कमजोर और कम एंड जिस तरह की सरकार मजबूर सरकार आप चला रहे हैं आज तक कभी नहीं चली। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार मजबूर है। देखिए अगर कोई ये कहे कि मोदी जी की सरकार मजबूर है तो वो किस मजबूरी में बोल रहा है इसको बहुत मजबूती से समझा जा सकता है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल कांग्रेस के प्रवक्ता लोग झूठ इस शब्द का बहुत प्रयोग करने लगे। अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर आप इस तरह की बात कहना चाहते हैं जिन भी विषयों के ऊपर इन्होंने कहा कि हम जाति और उस पर समाज में बांटते हैं, जातिगत जनगणना की बात कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, शशि थरूर कह रहे हैं कि 2024 जीते गुजरात मॉडल पर, 2019 जीते पुलवामा पर और 2024 में आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, अबू धाबी में बैप्स हिंदू मंदिर के उद्घाटन के साथ हिंदू हृदय सम्राट बनकर जीतना चाहते हैं। देखिए मैं धर्म नहीं है, एक मैं यथार्थ भी बता दूं, सिर्फ इतना ही नहीं, आप ही के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब हमारी सरकार आई तो भारत की अर्थव्यवस्था 167 लाख करोड़ की थी जीडीपी, अब 312 लाख करोड़ है। डबल हुआ कि नहीं? आय डबल हुई कि नहीं? तेरा क्या बोला तूने? आय डबल हुई कि नहीं? और आज राम मंदिर भव्यता और दिव्यता के साथ उभर रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। इनकी तो ऐसी मिली जुली है गठबंधन, पता नहीं मिलते हैं न जुलते हैं, अपने ही मन से चलते हैं। तो मतभेद सामने आ रहे हैं नालोक जी, 23 सीट कह रहे हैं मोदी जी, शिवसेना को आप देंगे 23 सीट? नंबर 2 की पार्टी थे आप 7 के 7 सीटों पर दिल्ली में, अगर मैं सही हूं तो, थी ना? लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है वो आपको नहीं देंगे लोकसभा की सीटें। सीटों के बंटवारे के ऊपर बातचीत चल रही है और ये मीडिया का मंच नहीं है कि मैं बताऊं कि किस पार्टी के साथ कौन सी चीजों पर कौन सा हमारा समझौता होगा और कौन किस सीटों पर कितनी संख्या पर लड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 2014 और 2023 हम तो पूछना चाहते हैं, मोदी साहब आप कहते हैं आपको तो अंतिम बिंदु पता होता है, क्या आपको ये पता था कि 3 काले कानून आएंगे और उनको वापस लेना पड़ेगा? क्या आपको ये पता था कि एनसीआरबी के आंकड़े 2016 के बाद किसानों की आत्महत्या के मैं बंद कर दूंगा? क्या आपको पता था कि 2013 से 2023 तक महिलाओं पर अत्याचार 38.3% बढ़े हैं? क्या आपको पता था कि निर्भया फंड का 60% जो है वो रिलीज ही नहीं हुआ है? क्या आपको पता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 78.9% जो फंड है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च होगा? क्या आपको पता था कि किसानों की आय 2022 में डबल ना होकर 32 रुपए से 27 पर आ जाएगी? क्या आपको पता था कि जल जीवन मिशन में जो आंकड़े 2 जुलाई 2023 को दिए गए वो आंकड़ों में इतना ज्यादा फर्क होगा कि 1,68,000 गांव की जगह वो केवल 58,000 गांव में सर्टिफिकेट इश्यू होंगे? क्या आपको पता है कि आयुष्मान भारत में मात्र और मात्र एक एक फोन नंबर पर हजारों एक एक बेनिफिशियरी एक एक फोन नंबर पर हजारों बेनिफिशियरी हैं और मात्र 1.86 लाख फोन नंबर पर 1.25 करोड़ बेनिफिशियरी हैं? इतना बड़ा घोटाला होगा क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि पीएम आवास में आप कह रहे हैं कि 4 करोड़ घर दिए और आपके सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि 75.51 लाख मकान बने? क्या आपको पता था कि 80 करोड़ लोगों को खाना देने के बाद भी हंगर इंडेक्स में हम नीचे चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि 2 करोड़ रोजगार का जुमला देकर आप चले गए? क्या आपको पता था कि नोटबंदी के इतने बड़े दुष्परिणाम आएंगे कि जो कैश फ्लो है वो डबल हो जाएगा? क्या आपको पता था कि चाइना घुसा हुआ है और मैं क्लीन चिट दे रहा हूं? क्या आपको पता था कि मणिपुर में क्या होने जा रहा है? क्या आपको पता था ये सब तमाम चीजें कि किस तरह से चाइना घुसकर हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है? क्या आपको ये सब चीजें नहीं पता थी? क्या आप एक बार भी मणिपुर के ऊपर 2 शब्द नहीं बोल सकते शांति के लिए? क्या आपको पता था कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आपको पता था कि किस तरह से आज देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है? आप ही तो कहते थे कि उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का शासन सरकार और राजा जो है करप्ट होता है। तो क्या आप करप्ट हैं? आप एक भी जांच आज तक क्यों नहीं करा पाए? आप तो कहते थे कि जिसकी साख गिरती है सरकार की उसके यहां पर इस तरह से रुपए की वैल्यू गिरती है। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी साहब 2024 के अपने भाषण उठाकर देखिए, आपको स्वयं लज्जा आएगी आपने कौन कौन से भाषण दिए थे और आज क्या हालत है। क्या आपको ये पता था कि जीएसटी आप किसानों के इक्विपमेंट्स के ऊपर फार्म इक्विपमेंट्स के ऊपर भी लगाएंगे और उनको आप 2,000 रुपए देकर केवल वोट मांगेंगे? क्या आपको ये पता था कि राम मंदिर बनेगा और उसके ऊपर मैं केवल वोट मांगूंगा? आपको 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आप बताइए आर्थिक नीति आपकी कहां पहुंची? आप कहते हैं कि साहब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ गई, हर 10 साल में जीडीपी लगभग डबल हो जाती है, ये नेचुरल है। अगर आप 1947 से आज तक उठाकर देख लेंगे तो आप मुझे बता देंगे, ठीक है। लेकिन तमाम आंकड़े आप झूठे देते हैं देश को और तमाम झूठे आंकड़ों पर वोट मांगते हैं और जब वोट मांगने का टाइम आता है तो 80-20 शमशान कब्रिस्तान करते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे वो आए बाएं साएं कुछ भी पता था बोलने के बाद, मैं सिर्फ अब तथ्यात्मक आधार पर बोलता हूँ। मस्त जोक मारा। इन्होंने कहा किसान की आय
27 रुपए हो गई, मतलब प्रतिदिन आपने कहा ना, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, भाई साहब 6,000 रुपए तो मिल रहे हैं, ये तो डायरेक्ट दिए जा रहे हैं। क्या वो आए हैं? हाँ सुनिए, डायरेक्ट 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 500 रुपया महीना, जरा 30 से डिवाइड करिए, क्या वो आए? 22-23 रुपए तो यही हो गए पर डे। क्या वो आए हैं? तो गजब की बात कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने शांति से आपकी बात सुनी, इसीलिए मैं कहता हूं झूठ की बुनियाद के ऊपर आकर कांग्रेस के लोग कुछ भी बोलना शुरू कर देते। अरे भाई 22-23 रुपए तो सीधे पहुंच रहे हैं। अब बताइए जो नीम कोटेड यूरिया है 3,000 रुपए उसका इंटरनेशनल में एक बोरी का दाम है, 300 रुपए मिला। बताओ इनका कहना है कि किसान को बाकी से तो 2 रुपए की भी आमदनी नहीं हो रही। ऐसे बचकाने तर्क, इन्होंने कहा महंगाई और बेरोजगारी, तो बता दो भाई कितनी है महंगाई कितनी है बेरोजगारी। मैं बताना चाहता हूं 2014 से आज तक कोविड का भी दौर देखकर, इस भयंकर दुनिया में जब मंदी छाई हुई है, युद्ध का दौर है, हमारी औसत महंगाई की दर आपके ही इस इंटरव्यू में बताया 5% है। इसीलिए मैं कहता हूं आए बाएं साएं कुछ भी आकर बोलना शुरू कर देना, अब कांग्रेस के लोग जो भी उनको देते होंगे हंगर इंडेक्स, पहली तो वो किसी निचली मानसिकता के वो लोग हैं जो ऐसी हंगर इंडेक्स बनाते हैं, उनसे ज्यादा निचली मानसिकता के वो हैं जो आके यहां पे कहते हैं। एक तरफ क्या कह रहे हैं 80 करोड़ को खाना मिल रहा और दूसरी तरफ हंगर इंडेक्स में नीचे। गजब है साहब, अद्भुत है साहब, जिस ढंग का ये लोग दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। अब किसानों की बात कहता हूं, ये बार बार कहते हैं 700 किसानों की मृत्यु हुई, कहां हुई? दिल्ली में। अधिकांश किसान कहां थे? पंजाब के। दर्शकों को पता है किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है डेथ सर्टिफिकेट इश्यू होता है, डेथ सर्टिफिकेट कॉज ऑफ डेथ लिखा होता है, दिखाइए ना 700 डेथ सर्टिफिकेट। शर्म आनी चाहिए आपको, आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना। इसीलिए मैंने कहा है अब जब कुछ नहीं रह गया है तो झूठ के पुलिंदे बनाकर, जो गोबल्स ने कहा था ना, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था, और वैसे ही अब झूठ 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 झूठ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सामने यह समस्या है, सच की बुनियाद पे बात करिए, अब झूठ पे जनता बहकने वाली नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? आप झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मोदी के हेट्रेड में, उनके खिलाफ नफरत की वजह से। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि दरअसल आप नफरत फैला रहे हैं मोदी के खिलाफ। देखिए मोदी जी के तमाम भाषण किस तरह के रहे हैं। मोदी जी तो ये कहते थे कि 2014 से पहले जो इस देश में जन्म लेता है उसको शर्म आती है कि उसने हिंदुस्तान के अंदर जन्म क्यों ले लिया। हम तो पूछना चाहते हैं मोदी जी 2014 से जब आप आए थे तो 10 लाख इंजीनियर नासा में बैठे हुए थे, 10 लाख के करीब इंजीनियर हिंदुस्तान से बाहर थे जो हिंदुस्तान से पढ़कर, 10 लाख इंजीनियर नासा में थे, मैं केवल नासा में नहीं तमाम जो भी संस्थान है उनके अंदर हिंदुस्तान से बाहर थे। हम तो केवल ये पूछ रहे हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपके आने से पहले हो गए थे, 2014 में 3 साल के खाद्यान्न भंडार आपको भर के दिए, 16 लाख की आर्मी आपको दी, इस देश के मजदूर से लेकर हर सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको लगता है कि इस देश में पहले कुछ नहीं था और केवल आपके आने के बाद सब कुछ हुआ है। मैंने जितने आंकड़े दिए हैं एक एक आंकड़ा या तो सरकारी उससे है या प्रतिष्ठित न्यूज पत्रिका का आंकड़ा है। 2013 के बाद से आज तक के एनसीआरबी के आंकड़े में 38% अगर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है तो मेरे आंकड़े नहीं है। अगर 700 किसानों की डेथ हुई है आप डिनाई करते हैं तो किसान भाई सुने कि आपकी जो जिस तरह से आपकी मृत्यु हुई, आत्महत्या हुई और तमाम चीजें हुई यहां पर बॉर्डर पर, उसको भाजपा मानने को भी तैयार नहीं है। और यही कारण था कि जब इस बड़े लेवल पर हत्याएं हुई और तमाम चीजें हुई तो आप लोगों ने उस 3 काले कानूनों को वापस ले लिया, और जो 3 आप लोगों ने वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ कि हम केसेस वापस लेंगे, बिजली के बिल माफ होंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे। आज कमेटी की एक मीटिंग तक नहीं हुई है। किसानों के साथ आपने ये छलावा किया और ऊपर से आप कहते हैं कि हमने 6,000 रुपए उनको सालाना दे दिए, लेकिन जीएसटी लगाकर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और बीज के दाम बढ़ाकर कितना बोझ किसान के ऊपर डाला ये नहीं पता है आपको। आप बताइए ना कौन सा आंकड़ा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं 3 आंकड़े बताइए, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे महिला अत्याचार का हो और चाहे भ्रष्टाचार का हो, तीनों पे चैलेंज करता हूं। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बताइए महंगाई दर कितनी है। मैं फिर कहूंगा, बोलिए आप बताइए, आप बताइए देश की जनता। अक्टूबर में 4.87% मैंने बता दिया, आप बोलिए। मैं फिर बताता हूं बेस ईयर को चेंज करके आप तमाम आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। आज सर्दी के मौसम में पालक और मटर और गाजर की सब्जियों के दाम क्या है, आप मुझे 4 आइटम बता दीजिए कि हमने ये सस्ते कर दिए। पेट्रोल और डीजल से लेकर गैस के सिलेंडर से लेकर, आपने 4 राज्यों में अभी चुनाव हुए, आपने कहा 450-500 रुपए में सिलेंडर देंगे और उसके बाद तुरंत आप मुकर गए, क्या ये सच नहीं है? 1 महीना हो गया राजस्थान की सरकार को मंत्री नहीं मिले, क्या गंगानगर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया होगा? शायद मुझे लगता है आप केवल और केवल चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के अलावा आपको गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं है। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं, सुधांशु भाई ने कही, मैं सुधांशु भाई को चैलेंज करता हूं, मुझे अभी कोई भी वेबसाइट बता दें जिस पर ये लिखा हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान दिए गए, मुझे कहीं पर भी दिखा दें वो 4 करोड़ का आंकड़ा। मेरे पास जो आंकड़ा है
वो आंकड़ा मैंने बताया 75.51 लाख मकान बने और उसमें से ऑक्यूपाइड है 71.39 लाख। 4 करोड़ का आंकड़ा कहां से आयो मुझे बता दीजिएगा। जल जीवन मिशन योजना में 4 करोड़ एक एक करके हाँ, बिल्कुल क्योंकि तो फिर बताइए कौन सी वेबसाइट पर आज तक के दर्शक भी देखेंगे। सुनिए आए बाएं बोलने से काम नहीं चलता है। सदन के पटल पर वित्त मंत्री ने बोला है लाइए विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव फ्रॉम द हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर का दिया गया बयान। यहाँ पे विशेष नहीं, ये टीवी डिबेट में नहीं, फ्रॉम द हाउस पे दिया गया बयान ऑथेंटिक होता है किसी भी आपके मीडिया के सोर्स से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और मैंने आपको कोट कर दिया। अगर आपके किसी सांसद ने उस पर आपत्ति की हो दिखाइएगा, नहीं तो अभी भी आप लाइए कि उन्होंने गलत बोला है। और मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी झूठ बोला जाएगा तो क्या करें? तो फिर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, विशेषाधिकार हनन देना चाहिए। विशेषाधिकार हनन, विशेषाधिकार हनन अगर नहीं आएगा तो आप सोर्स नहीं बताएं। नोटिस दिया आप मुझे केवल बता दीजिए 4 करोड़ मकान बने उसकी लिस्ट कहां पर अवेलेबल। अब एक और पहली चीज नहीं, मैं दूसरी बता रहा हूँ, दूसरा बता रहा हूँ पीएम आवास का मैंने बताया, मैंने आंकड़े, मैंने आपको आंकड़े कोट किए। नहीं भाई मुझे बता दीजिए, सुनिए मैं कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपनी जाति बनाई, ये पंडित नेहरू कौन थे भाई? उन्होंने नाम के आगे पंडित किसने लगाया? उनके किसी भी लगाना एक अलग बात, और जाकर ये कहना मैं ब्राह्मण हूं मुझे वोट दे दीजिए, दोनों में चीजों में फर्क। सर चिल्लाने लगे, नहीं नहीं मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं, मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, 4 करोड़ मकान दिए उसकी लिस्ट देश की जनता के सामने। 4 करोड़ की लिस्ट 40 मिनट के कार्यक्रम में नहीं बताई, 4 करोड़ की लिस्ट 40 मिनट के कार्यक्रम में नहीं बताई। अरे कुछ भी, कुछ भी। अरे भाई आप सोच बता दीजिए, फ्लोर ऑफ द हाउस बोल दिया, फ्लोर ऑफ द हाउस पर आप लोग आपकी सरकार तमाम झूठ बोलती है, तो आपके नेता को तमाम झूठ बोल दिया देना चाहिए। वो भी समय आएगा, वो बोलने फिर अगले पार्ट क्या सोच नहीं मिला डिस्कस करने पे, सोच नहीं मिला, अब नहीं बात कर रहे। सोच भी तो मैं सोच रहा हूं, सोच मैंने संसद को कोट कर दिया। संसद नहीं है, दूसरी बात, ये पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी थे, ये किसने बताया? और तो छोड़िए अपनी जाति तो छोड़िए, गोत्र बताने वाला पहला नेता कौन? 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर में जाकर निकल के बताया कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण हूं, और आज आके कह रहे जातियों, और 2023 में कहते अब पिछड़ों की जाति का जनगणना। क्या पलटी मारते हैं जैसा सुविधा मिले, इसीलिए उलटते पलटते आज स्थिति हो गई है कि जनता का आप पे विश्वास समाप्त हो गया है। एक वो थे, एक ये थे। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उनके सर्टिफिकेट पर नहीं है, ये सुधांशु जी पूछ रहे हैं, जाति नहीं बताया क्या उन्होंने? और अंजना जी आपके नाम के आगे ओम कश्यप किसने लगा दिया, मेरे आगे शर्मा किसने लगा दिया? सर्टिफिकेट क्या, ये सर्टिफिकेट पे मेरे पिता का नाम है, वही कह रहा हूं, वही कह रहा हूं, ये परंपरा है हमारे सर्टिफिकेट पे, फिर जात नहीं है। मैं वो फिर कहूंगा, अगर कश्यप से भी देखेंगे, त्रिवेदी से देखेंगे, वो अलग है, नाम लगाना ऑलरेडी इंडिकेशन है। लेकिन उन्होंने कभी ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे वोट दे दीजिए, तो वो इंसिडेंस बताइएगा, मैं माफी मांगूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज ने तो बताया, या फिर वो आप बातों को, बातों का पलट दिया, बातों को पलटिए मत, पलटिए। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने अपनी जाति बताकर पीएम आवास योजना के बाद अगला इशू, पीएम आवास योजना के आंकड़े का सोर्स मैं अगले 4 दिन तक इंतजार करूंगा कि मुझे बताया जाए कि 4 करोड़ रोज मकान किसने और कहां बनाए, कौन से विभाग ने बनाए और कहां पर अवेलेबल है। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आरटीआई 2-3 बार लगाई गई तेज सिंह की तरफ से, कहीं पर उत्तर नहीं मिला। पहला सवाल। दूसरा, जल जीवन मिशन में कहा गया कि 15 करोड़ लोगों को नल मिल गए, मैं उसका भी सोर्स जानना चाहता हूं, क्योंकि 2 जुलाई 2023 को जो आंकड़ा दिया गया जल मंत्रालय की तरफ से वो मेरे सामने है, और उसमें ये कहा गया कि 1,68,000 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह से हमने पानी के कनेक्शन उसमें दे दिए, और जब सर्टिफिकेट इशू करने की बात आई तो 58,562 सर्टिफिकेट इशू किए। ये इतना लंबा चौड़ा जो गैप है, और कहा जाता है कि 15 करोड़ 14 करोड़ 12 करोड़ जिसके मन में जो आता है बीजेपी वालों के आंकड़े देके चले जाते हैं, मुझे उसका भी सोर्स बताया जाए कितने जगह के कनेक्शन दिए गए। दूसरी चीज, एक अंतिम चीज कहना चाहता हूं। आपने कहा कि किस राज्यवार महिलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, राजस्थान का केवल 1 महीने का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि 1 महीने में क्या हुआ है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने किस तरह से गाड़ी के नीचे 2 दिन पहले एक महिला को रौंदा है, और कितने अत्याचार पिछले 1 महीने में बढ़े हैं, जरा उसी की आप केवल वानगी भर देख लीजिएगा। आपका कहना था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार 2023 और 2013 के आंकड़े में 23.31% महिलाओं पर अत्याचार, लगभग डोढ़े हो गए हैं। ये हमने तो आंकड़ा नहीं दिया था, इतने सुंदर आंकड़े देते हैं, दर्शकों से कहता हूं जमाना बैक करिए। अभी क्या बोले कि जवाब यह दिया गया कि 1,68,000 गांवों में नल की उपलब्धता कराई गई है और 58,000 घरों में। गजब है साहब, 1,68,000 गांव पूरी तरीके से हो गए और कनेक्शन 58,000। मैंने यही तो कहा कि इतना गैप क्यों है। अरे भाई सर्टिफिकेट, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना, इसका मतलब तो 1,68,000 तो होने चाहिए अगर गांव में एक कनेक्शन भी होता।
168,000 गांवों में 58,000 कनेक्शन होने से सारे गांव कैसे पूरे हो गए? इसीलिए मैं कर रहा हूं, फिर कर रहा हूं, आए बाएं साएं के कोई भी ये लोग ले आते हैं डाटा और उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं, यही इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। समस्या क्या, देखिए मैं आलोक मैं आपसे कहूंगा कि आपकी जो टीम है, समस्या क्या है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी फ्लोर द हाउस से बोला था कि वो आपके नेता ट्यूटर की तरह से बोल देते हैं। जैसे आपके मैं रिसर्च अनुभाग से अनुरोध करूंगा कि कम से कम थोड़ी ईमानदारी से जाके सारी बातों को चेक कर लिया करें। देखिए सारी बातें अपनी जगह है, सबसे बड़ी बात होती है क्रेडिबिलिटी, जनता का विश्वास किस आधार के ऊपर आता है। जो मोदी जी ने कहा कि मक्खन पे लकीर सब खींचना चाहते हैं, और ये जानते क्या है, ये वही 20वीं शताब्दी की राजनीति है, जाति में बांटो वोट पालो, मक्खन पे लकीर है, जात वाले मक्खन पर आप अपनी आरी चलाना चाहते हैं देश पर, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुश्किल फैसले लेकर ये सरकार आगे बढ़ रही है, फिर भी पीएम आश्वस्त है कि तीसरी बार मोदी सरकार। मैंने तमाम आंकड़े सामने रखे और एक एक आंकड़े को मैं आज पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, बता रहा हूँ उस पर भी आ रहा हूँ ना, मोदी जी धर्म की पॉलिटिक्स क्यों करते हैं या कोई जाति की पॉलिटिक्स पूछा क्यों करता मैंने उनसे, राम फिर कहूंगा मैं, उसका भी उत्तर दूंगा। मैंने आपको बहुत क्लेरिफाई कर दिया कि हम आज जाति की जनगणना की क्यों मांग कर रहे हैं कि सोशल अपलिफ्टमेंट हो, लेकिन अगर कोई मक्खन पर लकीर खींचता है तो उस सरकार का नाम है मोदी सरकार। वो केवल और केवल जब विपक्ष में होती है तो कहती है कि लव लेटर नहीं लिखने चाहिए और फिर बिना बुलाए वहां पर पहुंच जाते हैं। जो प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि आप बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, टैक्स पर बात कीजिए, टैक्स कम होने चाहिए, उन्होंने हमेशा टैक्स बढ़ाकर डिसइन्वेस्टमेंट के पैसे से अपनी सरकार चलाई। 1991 के बाद से जितना डिसइन्वेस्टमेंट हुआ उसका 72% केवल मोदी जी की सरकार ने किया, जितना डिसइन्वेस्टमेंट जितनी कंपनियों को बेचा गया उसका 72% केवल इस सरकार ने 9.5 वर्षों में किया। इसको कहते हैं कि कर्ज लेकर सरकार चलाओ, आरबीआई से 2,26,000 करोड़ लेकर सेक्शन 7 में सरकार चलाओ, महंगाई और बेरोजगारी की बात मत करो, टैक्स बढ़ा दो, टोल बढ़ा दो और उसके बाद इनकम टैक्स में 1 रुपए की रिबेट मत दो। मुझे लगता है कि इसको कहते हैं कि किस तरह से मक्खन के ऊपर लाइन खींचना, इसके अलावा कुछ नहीं। आप तमाम आंकड़ों की भी बात करेंगे तो आपके सामने मैंने तमाम आंकड़े रखे और एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो गलत। अब मक्खन पे माठा करें, नहीं नहीं वापस आता हूं मैं। मोदी साहब का मुझे चाय पर चर्चा का इंटरव्यू याद है कि काला धन आएगा और सबसे पहले जो टैक्स पेयर्स हैं उनके अकाउंट में, क्योंकि उनका टैक्स का पैसा तो यूं ही कट जाता है। और मुझे याद है कि अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि 2.5 लाख की इनकम टैक्स की लिमिट, 5 लाख उस समय पर मांग करते थे, आज 9 साल हो गए 2.5 लाख की लिमिट 2.5 लाख के ऊपर क्यों है। सीएजी की कितनी रिपोर्ट्स आई हैं जिनके अंदर तमाम अनियमितताएं आ रही हैं, आयुष्मान भारत हो चाहे सागरमाला प्रोजेक्ट हो, एक जांच आप लोगों ने नहीं कराई है। और जांच से आप लोग इसलिए भागते हैं कि भ्रष्टाचारियों को अपने यहां पर आप वॉशिंग मशीन में धो कर ले लेते हैं। एक जवाब इस पर सुधांशु जी, फिर कंक्लूडिंग सवाल मुझे एक एक तीखे आप दोनों से पूछने। सुधांशु जी जवाब दीजिए, एजेंसी आपके हाथ में तो सारे केस आपके हाथ में, जिसका मन करता है कान मेटते हैं, जिसका मन करता है उत्तर देता हूं। ये कहते हैं जातिगत जनगणना चाहते हैं और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के कह चुके हैं जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, होगी तो हम विरोध करेंगे। ये मक्खन पे माठा हो रहा है कि नहीं, अब दूसरा उत्तर देता हूं। दर्शक हमारे उनको बता दे कि ये कर्नाटक में डीके शिवकुमार वर्सेस सिद्धारमैया है कास्ट सेंसस पर, जिनका वो कांटेक्ट। मैं फिर कहूंगा एक छोटा सा उत्तर यहां पर, कास्ट सेंसस पर मैं केवल ये कहना चाहूंगा लोकतांत्रिक पार्टी में हर मत हो सकता है, आपके यहां पर एनडीए में कितने दल हैं? क्या अनुप्रिया पटेल नहीं कहती है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या उसको आपने एनडीए से बाहर कर दिया? हमारी पार्टी के अंदर की बात कह रहा हूं, सरकार में पार्टी में सब बंदर हैं, दो लोग अलग हैं, पार्टी में तो सब बंदर हैं, कोई बोल ही नहीं सकता। सब देखिए साहब, आप बंदर आप लोगों का बन रहा है, सांसद नहीं बोल सकते। आप सर सुनिए, खत्म म्यूजिक। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने हाथ को इस तरीके से रखिए, इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा, बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए, वे मैं तो तेरा मन पर आ।